ओके हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो यार ये वीडियो को मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं स्टिल ये बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ सपोर्ट करो कि जेई मेन 2022 जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए जुलाई अटेम्प्ट, बिकॉज बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिला है हमको प्रिपेयर करने के लिए। NTIR ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी है जिससे मुझे तो मतलब विश्वास उठ सा गया है। ठीक है, एक मैसेज मैं तुमको यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। वो यार जो भी है लड़का है लड़की है इतना ज़्यादा परेशान है, किसी लोगों को सेंटर में 70 क्वेश्चन दिखे हैं, किसी को कम क्वेश्चन दिखे हैं, किसी की परसेंटाइल इतनी ज़्यादा कम आ रही है। मार्क्स वो काउंट कर रहे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन परसेंटाइल बहुत ही बेकार आ रही है। तो पता नहीं क्या सीन है, एडमिट कार्ड भी एक दिन पहले आजकल देने लग गए। एटलीस्ट तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है भाई 10 डेज़ पहले एडमिट कार्ड आए, बच्चा थोड़ा सा देखे है ना, अपने सेंटर पे जाए। किसी का सेंटर जो इंटीमेशन स्लिप थी उसमें अलग था, एडमिट कार्ड के दिन अलग सेंटर आ गया। तो इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ हो रही है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं छोटा सा यार फिगर भी ले लूँ, अगर 500 पीपल भी इससे सफ़र कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं अपने एंड से कर रहा हूँ। तुम भी यार अगर चाहते हो कि जेई में जुलाई वाला अटेम्प्ट में तुमको टाइम मिले तो मैं भी एक ट्वीट कर दूंगा। तुम चाहो तो तुम भी एक ट्वीट कर सकते हो। तो जो भी हैशटैग होगा मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे यार 2 मिनट टाइम निकाल के ये चीज़ कर लो। बिकॉज देखो यार, जून में अभी ख़त्म हुआ है, 10 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट दिया है और वापस से जो है 21 जुलाई से पेपर होने वाला है। और आज 18 जुलाई हो चुकी है, ना इंटीमेशन स्लिप है ना एडमिट कार्ड है, इंटीमेशन स्लिप तक भी नहीं है, यानी कि अभी तक हमको सिटी का पता ही नहीं है और 2-4 दिन बाद पेपर है। तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है। जो भी है, तो मैं ये एक सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग भी अगर यार 2 मिनट अपना निकाल सको तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इतनी सी बात थी, मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। जितना हो सकता है यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में यार तुम्हारे थॉट ज़रूर बताना कि वाकई तुमको लगता है कि NTA जो कर रही है वो सही कर रही है, या फिर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। थैंक यू सो मच।